तो इतना ही कहूंगा कि राजेंद्र सिंह जी बुढ़ा जो आदमी है, एक बार इनके संपर्क में कोई आ जाता है तो फिर उनको छोड़ नहीं पाता। 20 साल तक मैं इनसे दूर था और इनकी तगड़ी खिलाफत भी करता था, और 20 महीने से हमारी दोस्ती है। और ये 20 महीने का जो समय निकला वो बहुत अच्छा निकला, मेरे खुद के लिए भी अच्छा निकला और मैं समझता हूं आम जनता के लिए भी अच्छा निकला। 20 वर्ष से अब से मंत्री जी जब दोबारा अभी विधायक बने थे 2018 में, एक दिन मेरे को नांगण में मिले, मैं बैठने गया था, मेरे से पहले मंत्री जी भी वहां बैठे थे, मैं अकेला था, उन दिनों मैं अकेला रहता था, आज तो खूब रहते मेरे साथ। तो मंत्री जी बैठे थे, मंत्री जी ने कहा आओ पत्रकार जी बैठो, मैं 10-15 मिनट बाद होने वाले, कहा कि मैं अबकी बार आपका चेयरमैन बना दूंगा। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, बोला बड़ा सुधारान काटता क्यों दोबारा क्यों मजाक कर रहे हो। तो इन्होंने कहा नहीं मैं वास्तव में मदद करूंगा। मैंने कहा ठीक है, चुनाव का समय आया, हमारी नजदीक का हुई दोस्ती बड़ी, इन्होंने चेयरमैन बनाने के लिए उदयपुर वाटी में बहुत सी घोषणाएं की, इनका पूरा फोकस ये रहा था कि रामलीला जी चेयर की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने कहा कि 50 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाया, इसके बाद में ट्रॉमा सेंटर बनाया, उदयपुर वाटी में 10 किलोमीटर सड़कें इन्होंने दिलाई, स्टेडियम दिलाया, और इन्होंने उदयपुर वाटी गांव ढाणियों में बसा हुआ कस्बा, बहुत सी ढाणियां, अब से पहले उदयपुर वाटी में खाली मूल कस्बा था उसी में पानी का वितरण होता था, शहर की ढाणियों में पानी वितरण नहीं होता था। इन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की कि मैं ढाणियों में पानी पहुंचाऊंगा, और आज मेरे चेयरमैन बनने के बाद में इन्होंने 16 नलकूप लगाए ढाणियों में, और उनके साथ पाइपलाइन भी दी, और कल पर से बता रहे कि 6 ट्यूबवेल और लगेंगे, तो इसलिए उदयपुर वाटी में खूब विकास करवाया गया मेरे लिए। और साथ ये भी कहा इन्होंने चेयरमैन बनाने के लिए मेरे लिए एन के एन प्रकार जो भी इनको करना चाहिए था वो कर, इन्होंने घर से पैसे भी खर्च किए। हम उस दौरान बाड़मेर जैसलमेर घूमने गए हुए थे चुनाव पीरियड के मतदान के दौरान, उस दौरान भी इन्होंने हमारे लिए पैसा खर्च किया, होटलों की बुकिंग कराई, व्यवस्था कराई। तो मैं कहता हूं कि मैं इनके नजदीक गया तब मुझे पता चला कि राजेंद्र सिंह जी बुड्ढा कैसे, बाकी तो आपको पता मैं क्या बोलता था क्या लिखता था सबका पता मंत्री जी को भी जानता। लेकिन एक बार इनकी छत्र छाया में आता है, इनके पास बैठता है, इनका कोई व्यवहार देखता है तो वास्तव में पता चलता है कि राजेंद्र सिंह जी बुड्ढा शालीन आदमी है, सभ्य आदमी है, सबकी मदद करने वाले आदमी है, ऐसे एक महापुरुष व्यक्ति। मैं तो इनको कई बार कहता हूँ, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं आजकल चेयरमैन बनने के बाद में, सुबह 10-20-30-50 लोग रोज आते हैं, और मैं भी लोग कहते हैं तो बार बार बोलते हैं मैं थक जाता हूँ, और मंत्री जी के यहाँ तो बड़ी भीड़ लगी रहती है, ये हर को सुनते रहते हैं, एक आदमी 4 बार बोलता है फिर भी ये गुस्से में नहीं आते। मैंने कहा मंत्री जी आपको गुस्सा नहीं आता क्या? बोले गुस्सा किस बात का, मेरे को तो काम करना सबका। तो मैं तो आज इतना ही बोलूंगा कि मंत्री जी विकास पुरुष है और सबका विकास करने वाले हैं, हर जाति का हर वर्ग का, ये बिना जाने कोई भी कहता है कि फोन करो आप फोन करते हैं। और सैनिक समाज के जो लोग हैं वो वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं उसी के पास काम कराने के लिए जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते। मैं भी कभी नहीं गया, या तो मैंने खुद ने वोट लिए या जिसको वोट नहीं दिया जो जीत गया उसके पास मैं नहीं गया। माली समाज के लोग अगर राजेंद्र सिंह जी बुड्ढा के पास अब आने लगे सबके लोग ये काम करते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, ये कहते हैं अब की बार नहीं तो काम करेंगे तो वोट दे देगा, अपनी तो लंबी पारी है, अपन तो सदा चुनाव जीतेंगे, मंत्री जी ये कहते हैं तो इनकी तो लंबी पारी है, एक बार नहीं ये तो हर के लिए काम करते हैं। और मैं कहता हूं मंत्री जी एक उदाहरण दिया करते हैं कि मैं 8 करोड़ की जनता के बीच में बैठा था, आप लोगों ने 200 के बीच में ला दिया, और मैं योग्यता से ये आप भगवान की कृपा से मैं राजस्थान के 30 लोगों में शामिल हो गया। मैं कहता हूं भैरू सिंह जी शेखावत में एक छोटे से गांव से निकल के गए थे और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। तो मंत्री जी उतने साधन तो उनके पास थे नहीं जितने आज के पास है,
आप भी बड़ी पारी खेल सकते हो, आदमी के भविष्य का कोई पता नहीं चलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजेंद्र सिंह जी गुड्डा 30 की पारी में ही नहीं, राजस्थान में नंबर 1 के प्रथम व्यक्ति हो। धन्यवाद।